हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ ओप्पो F11। आज मैं बताने वाला हूँ कि मैंने कितने में बाय किया है। ये मैंने बाय किया है 4 GB रैम, 128 GB बाय किया है, और ये मैंने कैसे बाय किया ये मेरा वीडियो लास्ट तक देखते रहना, आपको पूरा माल चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये रहा हमारा मेन बॉक्स, मैंने बाय किया है 4 GB रैम और 128 GB में बाय किया है। ओप्पो F11 है, आप देख सकते हो मेंशन भी किया गया है। इसमें आपको साइड में देखने को मिलता है द इंडियन क्रिकेट टीम स्पॉन्सर ओप्पो। इसका जो बैक स्पेसिफिकेशन है आपको बताता हूँ। इसका 48 MP का रियर कैमरा है और 4020 mAh का बैटरी मिलता है, विद हुक फ्लैश चार्ज 3.0 मिलता है, हाइपर बूस्ट मिलता है, और इसके अंदर 6.5 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले मिलता है, और 4 GB रैम 128 GB इंटरनल मेमोरी है। और इसका जो प्राइस मेंशन किया गया है 21,990 rupees, लेकिन ये मेरे को और सस्ते में मिला है, आपको मैं दिखाने वाला हूँ, तो मेरा वीडियो देखते रहना। तो चलिए फटाफट बॉक्स खोलते हैं। बॉक्स के टॉप साइड में आपको एक बॉक्स मिलता है, इसके अंदर आपको सिम एजेक्टर पिन मिलता है। ये रहा हमारा मेन। आपको इसके अंदर पाउच भी मिलता है, काफ़ी अच्छी बात है कि आपको इसके अंदर पाउच मिल रहा है, सिलिकॉन का पाउच है। और इसके अंदर आपको बुकलेट मिलता है, इसके अंदर आपको वारंटी कार्ड मिलता है और क्विक स्टार्ट गाइड भी मिलता है। ये रहा हमारा मेन बिल, जो मैंने बाइक किया है संगीता से बाइक किया है। जो फ़ोन है ये फ़ोन न्यू फ़ोन नहीं है, ये डेमो फ़ोन है। आप देख सकते हो आप लिखा हुआ है 4 GB रैम, 128 GB डेमो फ़ोन ओप्पो है F11। वो मैंने बाय किया है 9000 ओनली। कितना अच्छा कंडीशन में मेरे को मिला आप दिखाने वाला हूँ, देखते रहना मेरा पूरा वीडियो। ये रहा मेरा मेन फ़ोन, जो कि मार्बल ग्रीन कलर में है, काफ़ी अच्छा कलर दिया गया है। यहाँ पर लिखा है ओप्पो डिज़ाइन बाय ओप्पो लिखा हुआ है। ये फिंगरप्रिंट सेंसर है और ये फ्लैश 48 MP कैमरा और 5 MP का डेप्थ सेंसर दिया गया है। फ्रंट में 16 MP कैमरा दिया गया है। आपको लेफ्ट साइड में, राइट साइड में मिलता है पावर बटन, और आपको लेफ्ट साइड में मिलता है वॉल्यूम रॉकर। इसके अंदर आपको हाइब्रिड सिम कार्ड स्लॉट मिलता है, सेकेंडरी माइक मिलता है। डाउन साइड में आपको स्पीकर ग्रिल, माइक्रो यूएसबी पोर्ट और इसमें प्राइमरी माइक और हेडफोन जैक मिलता है। चलिए फ़ोन को फटाफट ऑन करते हैं, आपको फ़ोन का इंटरफेस दिखाता हूँ। फ़ोन तो मेरे को बहुत सस्ते में मिल गया, फ़ोन बहुत अच्छा कंडीशन में, लेकिन मेरे को चार्जर नहीं मिला है। तो चलिए फटाफट फ़ोन का सेटिंग दिखाता हूँ, अभी ये कौन सा वर्जन में रन कर रहा है वो दिखाने वाला हूँ। तो जैसे सेटिंग खोल दिया हूँ, तो चलिए फटाफट चलते हैं अबाव के अंदर। अभी ये कर रहा है 109 में रन कर रहा है, और कलर वाइज 6.1 में रन कर रहा है। ओक्टा कोर का प्रोसेसर दिया है, जो कि हीलियो P70 है, 4 GB रैम, 128 GB इंटरनल मेमोरी है, काफ़ी अच्छा है। आपको उसमें कलर वाइज 7 भी मिल जाएगा। चलिए फटाफट आपको कैमरा दिखाता हूँ। कैमरे के अंदर आपको लेफ्ट साइड में मिलता है वीडियो और फोटो। फोटो के अंदर आपको 2x का जूम का ऑप्शन मिलता है, और ये पोर्ट्रेट मोड है। अगर आपको मोर ऑप्शन चूज करना है तो 3 डॉट में सेलेक्ट करना पड़ेगा। नाइट मोड मिलता है, पैनोरामा मिलता है, एक्सपर्ट मोड मिलता है, टाइमलेस और स्लो मोशन भी मिलता है, गूगल लेंस भी मिलता है। तो उसका जो फ्रंट कैमरा है वो 16 MP फ्रंट कैमरा है, जो काफ़ी अच्छा सेल्फी निकाल लेता है, और पोर्ट्रेट मोड भी दिया गया है। और ये वीडियो है ना, ये वीडियो 1080p और 720p में दोनों रिकॉर्डिंग करता है। 1080p में ये विथ इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबिलाइजर में रिकॉर्डिंग करता है। तो चलिए फटाफट आपको मैं इस फ़ोन का कैमरा सैंपल दिखाता हूँ, बैक कैमरे का और फ्रंट कैमरे का, कि किस तरह से वीडियो बनाता है आउटडोर और इंडोर में भी। अभी जो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं उसी कैमरे से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, जो कि उसका जो फ्रंट कैमरा है 16 MP फ्रंट कैमरा। आप क्वालिटी देख लो कि आपको क्वालिटी किस तरह से देखने को मिलता है फ्रंट कैमरे से। अभी इवनिंग का टाइम है, तो आप कलर और क्वालिटी देख लो। कलर मेरे को तो बहुत बढ़िया लग रहा है, ओप्पो का जो कलर साइंस है मेरे को बहुत अच्छा लगा है, फ्रंट कैमरे का हो बैक कैमरे का हो। अभी जो वीडियो शूटिंग कर रहा हूँ मैं ओप्पो F11 का बैक कैमरे से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, क्वालिटी देख लो कि अभी क्वालिटी किस तरह से देखने को मिलता है बैक कैमरे से। ये 4K में रिकॉर्डिंग नहीं करता है, क्योंकि जिसका जो प्रोसेसर है वो सपोर्ट नहीं करता है। ये 1080p 30 फ्रेम तक सपोर्ट करता है, विथ या आपको इसमें इलेक्ट्रॉनिक इमेज देखने को मिलता है 1080p के अंदर। इसके अंदर आपको 60 fps भी नहीं मिलता है। तो चलिए फटाफट मैं वॉकिंग कर रहा हूँ, देख लो कि आपको इलेक्ट्रॉनिक इमेज किस तरह से काम करता है, देख लो। चलिए आपको मैं फटाफट इसका फोकस दिखाता हूँ कि कैसे फोकस करता है। इसका जो बैक कैमरा है 48 MP बैक कैमरा है, तो जो सेंसर दिया है वो सैमसंग का है, तो आप क्वालिटी देख लो। चलिए थोड़ा फोकस करने में टाइम लग रहा है, हाँ अभी फोकस कर रहा है। सर वीडियो राम्रो हुन्छ।
अगाडि बाट पनि भिडियो भिडियो टेस्टिङ गर्दैछु पिटी मार्नको लागि हैन क्यामेरा टेस्ट लाग्यो यार। अगर आपको मेरा ओप्पो F11 का अनबॉक्सिंग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए, कमेंट करना मत भूलिए, और कुछ जानना है तो प्लीज़ कमेंट करना मत भूलना। आपको उसका वीडियो बना के देने वाला हूँ, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज़।